अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्जवारी, और आज की हमारी तरबियाती नशिस्त में जो हमारा टॉपिक है आज की गुफ्तगुशुनीद का, वो है कि अहले हिंद के तंत्र की इकसाम का जो हमने सिलसिलावार किस्तवार एक सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले की एक और किस्त के साथ हम पेश खिदमत हैं। और आज की हमारी गुफ्तगू का महवर है कि लूना चुमारी कौन थी। हिंद के तंत्र में लूना चुमारी की दुहाई की हकीकत। देखें, हिंद के या अहले हनूद के तंत्र में बड़े बड़े नाम आते हैं जो लोग अपनी इस्तदराजी कुवतों को जगाने में बड़ी हद तक कामयाब हुए, और उन्होंने तंत्र में एक बड़ा नाम कमाया, जिसमें गुरु गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ और भी बड़े बड़े, इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े साधक हुए, जैसा कि इस्माइल जोगी, और जैसा कि दत्तात्रेय, और जैसा कि करौली बाबा, और इस तरह के और भी बहुत सारे साधु संत हुए। और ऐसे साधु संत हुए कि जिन्होंने अपनी इस्तदराजी कुवतों को जगाने में बड़ा काम किया, और वो लोग बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। तो उन्हीं शख्सियात में जहाँ पर तंत्र में, खसूसन हिंद के तंत्र में, जहाँ पर मर्दों को एक ख़ास अहमियत हासिल है कि वो तंत्र में उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया, वहाँ पे औरतों का भी एक ख़ास मकाम है, जिसमें से एक औरत है लूना चुमारी। लूना चुमारी कौन थी, कैसे वो एक ख़तरनाक तांत्रिक बनी, उसने आखिरकार कैसे तंत्र की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम हासिल किया, और उसने किससे ये दीक्षा हासिल की, और चमारन कितनी तरह की हैं, आज की नशिस्त में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि हम लूना चुमारी के तंत्र को भी डिस्कस करेंगे। देखें, लफ्ज चमार एक जाति है, जैसे हमारे यहाँ कौम, कबीले, कास्ट है, तो ऐसे अहले हिंद के यहाँ चमार एक जाति है, एक कौम है। तो जो लोग चमार जाति के हैं, उनकी जो औरतें हैं वो चमारन कहलाती हैं, यानी उनकी जो मुअन्निस बनती है। लूना चुमारी ये एक बला की खूबसूरत औरत थी, इंतहाई खूबसूरत औरत, और ये कामख्या के शक्तिपीठ के गिर्द ही इसका आज भी स्थान है, इसका वहाँ पे आसन है, इसका इसके नाम का एक सिद्ध पीठ मंदिर है, और ये उसी के साथ ही रहती थी। तो ये अपने जादू में बड़े कमाल की औरत थी, इसने इस्तदराजी कुवतों को जगाया, और खसूसन ये भैरव और भैरवी साधना में इसने बड़ा नाम हासिल कर रखा था। आपको मैंने शायद किसी एक मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि भैरव और भैरवी साधना की क्या हकीकत है। तो ये भैरवी बन के साधना किया करती थी, और दूसरा ये शव साधना में इसका बड़ा मकाम था, इसने ये अपने फन कमाल को पहुंची थी शव साधना में। शव साधना क्या है? दरअसल औघड़ रूप जो है उनका, तांत्रिक का जो इंतहाई रूप है, बड़े सगीर के तंत्र का जो इंतहाई रूप है, वो है औघड़। और औघड़ जो है उसके तीन किस्म के तंत्र हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना, तीसरी शव साधना। शव दरअसल संस्कृत में मुर्दा, डेड बॉडी को कहते हैं, मुर्दा लाश को कहते हैं।
उसमें दरअसल होता क्या है कि एक तांत्रिक को एक ऐसी इंसानी डेड बॉडी की जरूरत होती है कि जिसको उसने ना मारा हो, बल्कि किसी तरीके से उसको कोई लाश दरिया में बहती हुई उसको मिल जाए। तो उसको वो लेकर जाता है और बाकायदा तौर पर उसके ऊपर, उसके सीने के ऊपर बैठ के, तो वो बाकायदा तौर पर एक अमल करता है। और उसका अमल ये शमशान में अमल होता है, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे वो अपनी सिद्धि में बढ़ता है तो इसको मुख्तलिफ किस्म के अनुभव होते हैं। तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का बड़ा रूप काली का आवाहन होता है, और वो साधक को बेहद ड्रौने चीज़ें डराती है, और यहाँ तक कि साधक को गैब से आवाज़ें आती हैं, उसको डराया धमकाया जाता है। लेकिन साधक अगर कामयाब रहा तो आखिर में वो जो शव होता है, डेड बॉडी होती है, वो आंखें खोलती है। वो जो काली है, काली एक नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा रूप है, तो वो जब उस शव में आती है तो वो जिंदा हो जाता है। मुर्दा जिंदा नहीं होता, वो शैतानी कुवतें उसमें आके बोल रही होती हैं, क्योंकि शैतानी कुवतों को कोई डेड बॉडी चाहिए होती है जिसमें वो जाकर, और उसको जैसे एक रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे एक मुर्दा चीज़ के अंदर आप किसी चीज़ को रख दें और फिर उसको मूवमेंट करें तो वो हरकत करने लग जाएगी। अब वो खुद से तो हरकत नहीं कर रही, उसके अंदर जो चीज़ है वो उसको हरकत करवा रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो खुद से हरकत कर रही है, जैसे एक शॉपर है उसके अंदर हम अपना हाथ डालें और उसको हिलाएं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो शॉपर हरकत कर रहा है या वो कपड़ा हरकत कर रहा है, नहीं, बल्कि उस कपड़े के अंदर कोई चीज़, कोई ऐसी एनर्जी आके उसको मूवमेंट दे रही है, उसको हरकत दे रही है। उसमें इसमें उसका ज़ाती तौर पर कोई किरदार नहीं है। ऐसे ही जो तांत्रिक हैं, जब वो शिव साधना करते हैं तो उसमें वो शैतानी इस्तदराजी कुवतें बुला के मुर्दा इंसानी जिस्म में डाल देते हैं, जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता है, मुर्दा आंखें खोलता है। जब वो ये कर लेते हैं तो इसको शव साधना में कामयाब होना कहा जाता है। जो शव साधना है, लूना चुमारी इसमें बड़ी महारत रखती थी और बड़े कमाल के दर्जा वो रखती थी, और उसके तंत्र की दूर दूर तक उसके किस्से मशहूर थे कि वो वाहिद एक नारी होके, औरत होके उसने जादू में अपना इतना कमाल हासिल किया, एक चीज। दूसरी उसके अंदर ये खूबी थी कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अच्छा जी, इधर हजरत शाह जमाल जान मन जुम्मन जन्नती, उनका एक चेला था जिसका नाम था इस्माइल जोगी। अच्छा, इस्माइल जोगी एक ऐसा करैक्टर रहा जो कि हमेशा से मुतजाद रहा। कुछ लोग इसको हिंदू समझते रहे, इसको साधु समझते रहे, और बाज के नज़दीक ये मुस्लिम था लेकिन बाद में मुर्तद हो गया था। पहले ये मुस्लिम था, बाद में ये मुर्तद हुआ, ईमान से फिर गया। और इसने जब मदारिया सिलसिले की इसने असबाक किए और अपनी अरवाह को ज़िंदा किया, अपने अंदर की लताइफात को ये ज़िंदा करने में कामयाब हुआ, तो ये जब अपने शेख से, अपने मुर्शिद से इजाज़त लेकर इसने जगत ली और बाकायदा तौर पर जोगी सिलसिले किया, जो बानी है वो इस्माइल जोगी था। जब इसे पता चला कि बरे सगीर पाको हिंद के तांत्रिकों में एक ऐसी औरत है, एक ऐसी नारी है जिसको लूना चुमारी कहा जाता है, और ये लूना चुमारी अपने फन कमाल में बहुत माहिर है, तो इसने सोचा कि क्यों ना उसके साथ अपने इल्म को मैच किया जाए या उसको जांचा जाए कि वो कितना इल्म रखती है। चनाचा इस शख्स ने ये लूना चुमारी के पास गया, और इसका वहाँ उससे मुकाबला तो क्या होना था, ये शख्स उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसी के इश्क में ये बंदा मुर्तद हो गया। अब बाज ने लिखा कि ये मुर्तद हो गया, बाज ने लिखा कि ये था ही हिंदू जोगी तांत्रिक था। अब इसमें मुख्तलिफ मुतजाद चीज़ें हैं। बहरहाल तो ये उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया, और इस तरीके से इसके पास जो विद्याएं थी तंत्र की, जादू की, वो तमाम तर इसने लूना चुमारी को सिखाई। अब लूना चुमारी जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जब उसने इस्माइल जोगी से जादुई विद्याएं सीखी तो उसके जादू में और इजाफा हुआ। फिर इन दोनों ने मिलके यहां से 64 सहलन निकले और 360 जोगन निकली, जिसने बरे सगीर पाको हिंद की तबाही मचा दी।
यही वजह है कि इनका खात्मा करने के लिए औलिया अल्लाह और सालेहीन ने बरे सगीर पाक को हिंद का रुख किया, जिनमें हजरत सच्चल सरमस्त, जिनमें हजरत शाह लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनमें अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनमें शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जिनमें ख्वाजा मोहम्मदीन सैरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जिनमें दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जिनमें हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बड़े औलिया अल्लाह अकाबरीन असलाफ हमारे बुजुर्गान दीन शामिल थे। आखिर क्या वजह थी कि ये लोग दमिश्क से, शाम से, बसरा से, कूफा से ये लोग यहाँ क्यों आए? देखें, हमेशा याद रखें, अल्लाह के नबी की पैदाइश मक्का में क्यों हुई? अल्लाह के नबी को किसी और खित्ते पर क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि उस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा मक्का में की जा रही थी, इसलिए अल्लाह के नबी को मक्का में उतारा गया। जो तो मेरे भाई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है ना, वहीं हमेशा शमें जलती हैं। जहाँ ऑलरेडी रोशनी हो वहाँ पर शमा जलाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चूंकि बड़े सगीर पाक को हिंद में एक बड़े अरसे तक यहाँ पर जादू अपने ज़ोर पर रहा, यहाँ पर जो 64 सहलन और 360 जोगन जो यहाँ से लूना चमारी और इस्माइल जोगी के पैदा करते हुए ज़मीन पर फैले, तो उन्होंने तंत्र को बुलंदियों पर पहुँचाया। अच्छा, आज भी कामाख्या के शक्ति पीठ के बिल्कुल साथ लूना चमारी का मंदिर है। अच्छा, लूना चमारी कोई एक नहीं थी, लूना चमारी भी चार बड़ी चमारन हुई, जिसमें से एक तो लूना चमारी ये थी जिसका मैं आपको तذکرہ कर रहा हूँ, जो कि कामाख्या के आसाम घाटी के शक्ति पीठ के बिल्कुल साथ है, जो आज भी वहाँ पर मंदिर है और जहाँ पर कहते हैं कि लूना चमारी ने बड़ी बड़ी तंत्र विद्याएं की और वहाँ पर इस्माइल जोगी ने भी बड़े अरसे तक तपस्या की। तो वहाँ पर आज भी वो क्षेत्र, वो जगह, वहाँ पर तांत्रिक लोग वहाँ का सफ़र करते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी सिद्धि और साधना करते हैं। उन लोगों का ये अकीदा है कि वहाँ आज भी लूना चमारी जिंदा है, वहाँ आज भी लूना चमारी की शक्तियों का आवाहन है, वहाँ आज भी लूना चमारी का शैतानी हमजाद आता है और तांत्रिक बाकायदा तौर पर उस लूना चमारी को सिद्ध करते हैं या उसके शक्ति पीठ के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ सिद्धि और तांत्रिक विद्याएं करते हैं। किस लिए? क्योंकि आज भी वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाओं का, नेगेटिव तरंगों का निवास है, वहाँ पर आज भी उन चीज़ों की मौजूदगी का एहसास है। तो अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो लूना चमारी थी, चमारन कई तरह की हैं, जिनमें चार चमारन बड़ी बड़ी चमारन हैं, जिनमें सबसे बड़ी चमारन यही है जिसका मैं आपको बता रहा हूं कि कामाख्या के शक्ति पीठ के बिल्कुल साथ इसका मंदिर था और ये चमारन जाति, चमारन जात से थी और ये एक साधारण औरत थी, लेकिन ये जादू में फन कमाल तक पहुंची और इस्माइल जोगी से जब इसका ताल्लुक बना तो फिर इसने 64 सहलन और 360 जोगन को जगत लेकर रूए ज़मीन पर भेजा, जिससे बड़े सगीर पाक हिंद में जादू का फैलाव हुआ। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि इस औरत ने जादू में क्या चीज, ये जो लूना चमारी थी, इसने जादू के अंदर एक चीज पे, इसने साबर मंत्र बहुत ज्यादा बनाए, साबर मंत्र। अब मंत्र, मंत्र बहुत सारी किस्मों के होते हैं। अब एक मंत्र संस्कृत जबान का है, एक मंत्र साबर मंत्र है, यानी उसमें ना संस्कृत है ना उर्दू है, उसमें यानी मिले जुले अल्फाज हैं जो कि आम समझ आते हैं। अब मुझे कोई साबर मंत्र आता नहीं, वरना मैं पढ़ के, जैसे आप डंके समझ लें, मुंदरे समझ लें, जैसे हमारे यहाँ जैसे डंके पढ़े जाते हैं, मुंदरे पढ़े जाते हैं, तो ऐसे साबर मंत्र पढ़े जाते हैं। तो लूना चमारी के मुतल्लिक एक बात आज भी ये मशहूर है कि जहाँ इसकी, इसका शक्ति पीठ है, वहाँ पर आज भी इसका हमजाद जिंदा है, या आज भी इसका जो हमजाद है वहाँ पर वो आता है और बाकायदा तौर पर इसके हमजाद को तांत्रिक लोग जगाते हैं। और साबर मंत्र के अंदर, साबर मंत्रों के अंदर इसकी बड़ी दुहाई लगाई जाती है बारहा, इसकी और इस्माइल जोगी की। ये दुहाई क्यों लगाई जाती है? अब आप सबसे पहले तो ये समझें कि अहले हिंद के तंत्र में दुहाई की क्या अहमियत है।
और दुहाई लूना चमारी ही की क्यों दी जाती है। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि हिंद के तंत्र में लफ्ज दुहाई का जो मतलब है वो है वास्ता। जैसे हम बेहुरमत बेहक इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद हम लफ्ज इस्तेमाल करते, या इलाही बेहुरमत अय्यन नक्श माजम वायन इसम आजम, हमारे यहाँ ये इबारत है। तो बेहुरमत दुहाई, बेहुरमत और बेहक दुहाई के मुकाबले के अल्फाज हैं। दुहाई कहते हैं वास्ते को, वसीले को, किसी मीडियम को दुहाई कहते हैं। तो मंत्रों को खुसूसन साबर मंत्रों में इसकी दुहाई इसलिए दी जाती है क्योंकि इस्माइल जोगी ने बहुत सारे साबर मंत्र बनाए, और चूंकि ये लोग गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छंदर नाथ की तरह और दत्तात्रेय की तरह और दूसरे बड़े बड़े जादूगरों और तांत्रिक तंत्र विद्या जानने वालों की तरह, इनका एक बड़ा नाम था जादू में। चूंकि आज भी इनके शैतानी हमजाद आते हैं वहां पर, तो इसलिए इनकी दुहाई दी जाती है। जैसे शैतान की तांत्रिक लोग दुहाई लगाते हैं, जैसे कपाली भैरों की दुहाई लगाते हैं, जैसे भैरों की दुहाई लगाते हैं, जैसे महाकाल की दुहाई लगाते हैं, शिव और शक्ति की दुहाई लगाते हैं, शमशान की रानी, मसान की रानी काली की दुहाई लगाते हैं, तारा की दुहाई लगाते हैं, मुख्तलिफ शैतान की इस्तदराजी कुवतों के मुख्तलिफ जो रूप हैं उनकी दुहाई लगाई जाती है। और शैतानी तंत्र में शैतान की दुहाई लगाई जाती है बारहा। और वो सिर्फ और सिर्फ ये क्यों किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि इनकी दुहाई लगा के, क्योंकि इन्होंने तंत्र में अपना एक बड़ा नाम रखा है। जैसे हमारे यहाँ कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, इबलीस, लईन, मलऊन और दूसरे मुनकिरीन खुदा के नकूश बनाकर उन पर जूते मारे जाते हैं, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके नामों में आज भी शैतानी और इस्तदराजी कुवतें मौजूद हैं। जिन्होंने अल्लाह से बगावत की, जिन्होंने से अल्लाह जिन पर अल्लाह का गैज़ो गज़ब नाज़िल हुआ, तो उनके नाम में आज भी एक इस्तदराजी कुवत, वो लानत वाली कुवत मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तावीज़ वगैरह में, आमिलीन इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो साबिर मंत्रों की सिद्धि है, इसको करने में, साबिर मंत्रों की को सिद्ध करने में, अगर कोई शख्स तांत्रिक लोग जब साबिर मंत्रों को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इसकी दुहाई लगाते हैं बारहा और इस्माइल जोगी की, जिससे साबिर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, उनके अंदर कुवत जल्दी पैदा होती है। और इसी तरीके से बाज तांत्रिक के नज़दीक कई तरह की लूना चुमारियाँ हैं और बहुत सारी जादूगरनियाँ औरतें हुईं, और उनमें जो कमाल दर्जे को पहुँची उनमें चार चमारन मशहूर हैं। और उन चार चमारन में जैसा कि पंजाब के गांव अमृतसर की लूना चमारी मशहूर है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी एक जादूगरनी औरत थी, उसको भी लूना चमारी का नाम दिया गया। इसी तरीके से राजस्थान की एक लूना चमारी है जिसकी वहाँ पर राजस्थान में मंदिर पाए जाते हैं, उसके मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर उसकी बाकायदा तौर पर मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग, तो वो भी एक लूना चमारी कहलाती है। और चौथी कमख्या पीठ के बिल्कुल साथ जो वहाँ पर लूना चमारी का मंदिर है, चौथी वो है। ये चार तरह की लूना चमारियाँ हैं और ये चारों तरह की लूना चमारियां खतरनाक जादू जानती थी। आप इनके जादू का अंदाजा और इनके जादू के खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी साबर मंत्रों में या आज भी जादू के क्षेत्र में उनकी दुहाई लगाई जाती है, उनको पुकारा जाता है। और खास तौर पे कलवा तंत्र में लूना चमारी बड़ी महारत रखती थी। कलवा क्या होता है? कलवा दरअसल, कलवा किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की रूह होती है जो कि नेगेटिव ऊर्जा हो, यानी किसी भी इंसान का शैतानी हमजाद उसको कह लें, जिसको मशान भी बोलते हैं, मसान भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि टोटल जो है वो 52 कलवे हैं टोटल। अच्छा, उन 52 कलवों की सिद्धि इस लूना चमारी ने कर रखी थी।
यही वजह है कि आज भी अगर कलवा वीर की सिद्धि की करते हैं तांत्रिक लोग, तो वो इसमें लूना चमारी की दुहाई लगाते हैं, क्योंकि आज भी कलवों की जान जाती है लूना चमारी के सिर्फ नाम से। तो जो 52 कलवों की सिद्धि इसने कर रखी थी, इसी वजह से आज भी कलवों के अक्सर जो मंत्र होते हैं वो साबर मंत्र होते हैं, और वो लोग जो साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसमें वो लूना चमारी की दुहाई लगाते हैं। इसके अलावा कमख्या पीठ के बिल्कुल साथ एक जगह है जहां पर इस्माइल जोगी ने भी तपस्या की और लूना चमारी ने भी तपस्या की, और वहां पर आज भी एक मंदिर भी है, और उस मंदिर के बिल्कुल साथ तांत्रिक लोग वहां बैठकर 52 कलवों की सिद्धि करते हैं, या किसी एक कलवे की सिद्धि करते हैं, या 52 के 52 सबकी इकट्ठी सिद्धि करते हैं। अच्छा, वो इस जगह तंत्र में ना जगह की बड़ी अहमियत है, जैसे शमशान की वाली जगह, यानी या गुप्त वीरान जगह, या पुराना खंडर, या बहती गंगा का किनारा, या जंगलात, या ऐसी जगह जो कि गुप्त हो, जहां पर हवा कम आती हो और जहां पर सूरज की रोशनियां कम जाती हो। ये लोग ऐसी जगहों का रुख करते हैं जहां पर दूर दूर तक कहीं रोशनी का नामो निशान ना पहुंचता हो, तो ये लोग वहां का रुख करते हैं, क्योंकि जहां जहां पर रोशनी जाती है ना, वहां पर इनका अमल असर नहीं करता। तो फिर ये ऐसी गुफाओं में चले जाते हैं कि जहां पर सूरज की रोशनी आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उन सुराखों को ये पूरे तरीके से बंद कर लेते हैं और अंदर अंधेरे में ये रहते हैं। और अंधेरी जगह में ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहते हैं कि वो जो एटमॉस्फेयर इनको चाहिए होता है वो वहीं बंद गुफाओं में, बंद गारों में ही इनको मिलता है। तांत्रिक लोग आज भी लूना चमारी की सिद्धि करते हैं, और इसकी सिद्धि वो करने के लिए क्या करते हैं कि वो 7 रंग की मिठाइयाँ, 2 इलायची और सामने दिया रख के इसका ध्यान करके, किसी भी इसका मंत्र पढ़ के किसी भी वीरान जगह पर ये तमाम चीज़ें डाल आते हैं, और उसके बाद इसकी सिद्धि 21 से 41 दिन तक लूना चमारी की सिद्धि वो करते हैं। इसके मंत्र को 25,000 बार पढ़ा जाता है, इसका मंत्र होता है साबर मंत्र होता है वो, और अक्सर ही इसकी सिद्धि भी लूना चमारी की जो सिद्धि करते हैं, यानी इसकी जो तस्खीर करते हैं तांत्रिक लोग, तो वो लूना चमारी की जो सिद्धि है वो साबर मंत्र से ही करते हैं। और आमतौर पर जो जाप की संख्या होती है, जो पढ़ने की तादाद होती है, नंबर होते हैं, वो 25,000 ही होते हैं। अच्छा, जब वो ये सारा कुछ कर लेते हैं तो आखिरी दिन फिर वो 2 लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान और 7 रंग की मिठाइयाँ और 1 नारियल, ये तमाम चीज़ें वो फिर इसका ध्यान और मंत्र पढ़ने के बाद वो जाकर फिर किसी वीराने में फेंक आते हैं, जिससे क्या होता है कि लूना चमारी की सिद्धि उनको आसानी से हो जाती है। जब लूना चमारी की सिद्धि हो जाती है तो इससे फिर वो 52 कलवों की सिद्धि भी कर लेते हैं, क्योंकि आज भी उसके हमजाद के साथ वो 52 कलवे मौजूद हैं और वो भी प्रकट होते हैं बसा औकात। तो वो अगर कोई शख्स सिर्फ खाली इसी की सिद्धि में महारत कर ले तो वो इन तमाम शैतानी और इस्तखराजी कुवतों को भी अपने वश में कर सकता है, और लोग ऐसा करते हैं। जब इसकी सिद्धि हो जाती है तो इसकी सिद्धि मुख्तलिफ कामों में वो इस्तेमाल करते हैं जो कि तंत्र में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स के ऊपर लूना चमारी की चौकी छोड़ी जाए तो उसका कुरानी इलाज क्या होगा, कि कैसे आमतौर पे हमारे यहाँ एक भ्रांति, एक वहम फैला दिया गया है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप जाकर ब्लैक मैजिक वाले से ही अपना इलाज कराएं। हो मेरे भाई, आप तंत्र को क्या समझते हैं? आप तंत्र को बच्चों का खेल समझते हैं? आप इसको इतना ईजी ले गए हैं कि कोई भी जाकर ब्लैक मैजिक कर लेगा आपके साथ? आपको पता है ब्लैक मैजिक के नाम पे हमारी कौम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन? बल्कि मैं तो एक हैरान हूं कि एक शख्स बाकायदा तौर पर काल भैरव की अंगूठी दे रहा है कि जी इसमें 101 मौक्किल है, और वो उसके पैसे भी मांग रहा है, और फिर लोग रो रहे हैं कि ये टोटल सारा झूठ था, और वो लोगों से हजारों रुपए लूट रहा है। तो खुदा रहा, आप इन लोगों से बचें और आप हकीकत को जानें। तंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। तंत्र अपने अंदर बहुत बड़ी गंदगी, गलासत को रखे बैठा है।
तांत्रिक ऐसे नहीं बन जाता कोई, और अल्लाह हम सबको इन 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 तांत्रिक और तंत्र विद्याओं के शरीक मखलूक के तमाम शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और जो लोग आए दिन ये कह रहे होते हैं ना कि ब्लैक मैजिक का जो इलाज है वो भी ब्लैक मैजिक के साथ होता है, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपना आप किसी भी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, नफ्सियाती मर्ज का शिकार हैं, और आप उसका इलाज ये सोच रहे हैं ना कि आप उसका इलाज तंत्र के साथ करेंगे, ब्लैक मैजिक के साथ करेंगे, तो मेरे भाई आप गलत हैं। आप अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, आप अपने ईमान को जायल कर बैठेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है हमारा इस्लाम तंत्र के कितना खिलाफ है, और दुनिया के तमाम मजाहिब जादू के खिलाफ हैं। भले अहले हनूद भी हैं तो वो सिंपली कहते हैं कि देवी देवताओं का ध्यान करो, उनकी पूजा आराधना करो, उनकी मूर्ति पूजा करो, और अपने ना खुदाओं पर वो यकीन रखते हैं, माजल्ला मसनूई खुदाओं पर वो यकीन करते हैं, वो भी तंत्र से वो हैं। तंत्र को वो अच्छा नहीं समझते, तंत्र क्षेत्र को वो कहते हैं ये आम आदमी का काम नहीं है और हमें इससे बचना चाहिए। दुनिया के तमाम मजाहिब में तंत्र की मुखालफत की जाती है कि जादू बुरी चीज है और इससे बचना चाहिए। कई लोग पागल होके मर गए हैं, बहुत सारे लोगों को ये भूत चढ़ा हुआ है कि हमने फला सिद्धि कर ले। मेरे पास आए दिन टेलीफोन आए हुए होते हैं कि आप हमें कोई चीज करा दें ब्लैक में। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं। रब सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसके वादे सच्चे। हमने कलवे की ताकत को तो माना, लूना चमारी की चौकी को तो माना है, सच्चे रब को नहीं माना। हमारा हाल ये है कि हम पैनाडॉल के ऊपर यकीन हमारा है, हम एक गोली खा रहे हैं उसके ऊपर हमारा यकीन है। पैनाडॉल की तो मैंने मिसाल दे दी, किसी भी हमारा एक हकीम की दवाई के ऊपर यकीन है, हमारा नहीं यकीन तो अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है। हमारा ये यकीन है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे ठीक हो जाएंगे, हमारा ये यकीन नहीं है कि हम कुरानी अमाल करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आज लोग स्पीकर लेकर माइक लेकर ढोंगी जो भंग में लत बैठे हैं उनके आगे करके कहते हैं कि जी ये पीर है, ताकि माशरे को आप क्या सबक दे रहे हैं कि क्या 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 बरे सगीर पाक को हिंद में इस्लाम ले आने वाले लोगों का ये हुलिया आप पेश कर रहे हैं। खुदा रहा ऐसा ना करें। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन ने दीन के ऊपर बड़ा काम किया है। आप किफायतुल्ला काफी की कुर्बानी को देखें, आप पीर जमात अली शाह साहब की कुर्बानियों को तो देखें, आप पीर मेर अली शाह साहब के रूपोश होने और अंग्रेज के दौर में उनको अपने आप को 1857 की जंग आज़ादी के और उनके इस हालात के तनाजुर में जो सादात ने एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र किया, अपनी आल औलाद बच्चों घर बार को छोड़ा, और इतना ज़्यादा जो है ना उन्होंने तकलीफ़ात और मसाइब बर्दाश्त किए, आज आप उनकी शक्ल उनको भी आप पीर कह रहे हैं। और ये जो लोग मनशियात का इस्तेमाल किए, अपने होश हवास में भी नहीं है, उनको भी आप पीर बनाकर स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, ये पीर नहीं है। पीर का ताल्लुक किसी हुलिये से नहीं होता। पीर उसको कहते हैं जो आपके लताइफात को जिंदा करके आपको रब तक पहुंचा दे, आपकी लताइफात को जिंदा करके उनके मखसूस मंजिलों तक पहुंचा दे, उसको पीर कहते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ खानकाही निज़ाम में कुछ ऐसे लोग आ गए जो थे तो बिजनेसमैन, लेकिन वो खानकाह में पता नहीं वो कैसे आ गए, और उन लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुराफात पैदा की, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अब हम बात करते हैं लूना चुमारी के चौकी का कुरानी इलाज क्या है, कि हम कैसे लूना चुमारी की चौकी को कुरानी इलाज से हटा सकते हैं। अगर किसी शख्स के ऊपर लूना चुमारी की चौकी छोड़ी जाए, चौकी मारी जाए, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका वज़न कर लें, जितना उसका वज़न हो उतना चावल टोटा ले लें, और उस चावल टोटे को आप किसी गरीब मुस्तहिक को या दरिया में मछलियों को डाल दें। उसके बाद आप अपने उस मरीज से कहें कि वो रोज़ाना 313 बार, सबसे पहले 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 7 बार अजान पढ़े, 7 बार अकामत पढ़े, 100 बार बैतुल खला की दुआ को पढ़े, 100 बार तीसरा कलमा को पढ़े, ठीक है, और 313 बार सूरह इखलास को पढ़े, और आखिर में 7 बार दुरूद पढ़ के पानी के ऊपर दम कर ले, और वो पानी जब तक ठीक ना हो वो पानी पीता रहे। बस सदका दे दे अपने पूरे वजूद का, और फिर इस पानी को मुसलसल पीता रहे।
तो इससे यकीन जाने दुनिया का खतरनाक से खतरनाक जो तंत्र है उस खत्म हो जाएगा, और आपको किसी ब्लैक मैजिक वाले के पास, किसी ढोंगी आमिर के पास, किसी ऐसे शख्स के पास जो फ्रॉडिया है, तावीज़ात के नाम पे, ज़ाफ़रान के नाम पे, या मैं ये बातें नहीं करना चाहता, बहुत सारी खराफात चीज़ें हैं उनके नाम पे आपके साथ ठगी कर रहा है, तो खुदा रहा आप इन लोगों से बचें। ये लोग दो नंबर हैं और इन लोगों से बचें। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अगर आपका इसी नशस्त के मुतालिक या हमारे किसी और नशस्त के मुतालिक कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अपने सिलसिला सवालात के जवाब में आपके सवाल को का ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।